मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं गौतम सिन्हा आप सभी को स्टूडेंट नगरी में स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आप घर पे किस प्रकार पढ़ें, किस तरह से आप होमवर्क लें। बस आपका होमवर्क है, होमवर्क के साथ आपको होमवर्क देंगे, आप मेहनत कीजिए, आप पढ़िए, प्लस जो प्रॉब्लम होगा उसका हम वीडियो लेकर आएंगे। जो आपको होमवर्क मिलेगा वो आप पढ़िए, जो आप पढ़ने का देते हैं वो छोटा छोटी टास्क है आप पूरा कीजिए और 100% के लेवल का आप तैयारी कीजिए। जो आज का डेट है 24 अगस्त 2020 का होमवर्क है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले आपको हम मैथ का होमवर्क है। मैथ में आपको आज क्या पढ़ना है देखिएगा। मैथ में है आपका आज क्लास 9th का पढ़ना है। 9th में क्या पढ़ना है, लाइन एंड एंगल। अब लाइन एंड एंगल का हमारा पूरा वीडियो आएगा, आप बुक में पढ़िए, क्लास 9th के बुक पढ़िए। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आपको हम बता रहे हैं कौन सी बुक है हमारे पास, वो आपको दिखा रहे हैं। ये हमारी क्लास 9th का है, आपको इसमें क्या पढ़ना है जरा ध्यान से सुनिएगा। बस केवल आप ये रीडिंग दीजिए, दिमाग लगाइए मैथ पे नहीं। मैथ आप 100% हमारे ऊपर छोड़िए थोड़ा, क्योंकि हम ऑफलाइन में लगातार 7 साल से पॉलिटेक्निक की क्लास लेते आ रहे हैं, अच्छे सफलता के साथ हम अपने शहर में पढ़ाते आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां से बताते हैं आपको किस प्रकार से पढ़ना है। इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि रटना इसमें कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं रटना है। इसलिए रटना केवल पढ़ना है कि जो शब्द यूज होगा, जैसे कौन होगा, कौन का संबंध होगा, वो आप किस प्रकार से शो करेंगे। फर्स्ट पेज आपका ये है, सेकंड पेज आपका ये दोनों आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आप थ्योरम बने क्या कह रहा है। यदि किसी किरण का एक सिरा किसी अन्य रेखा पर स्थित इस प्रकार है कि दो आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसका ये आपको रटना नहीं है, इसका प्रोसेस आपको रटना नहीं है, एक गलत बात है। हम रटने नहीं बोल रहे हैं, केवल आपको पढ़िए कि दिमाग में रखिए, उसमें हम बताएं आपको आसान हो जाए। ये सब जितना सारा प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, वो सारा हम लेकर आएंगे। पहला पेज आपको पढ़िए, दूसरा पेज आप पढ़िए और यहां से बढ़िए आगे। यहां से आपका तीसरा पेज क्या कहता है देखिएगा। तीसरा पेज ये आपको हो गया, तीसरा पेज परमेट टू पढ़िए, आगे बढ़िए। चौथा पेज आपका है ये परमेट 3। इसमें केवल देखिएगा, अभी हम लोग हमारा जो पहला एक वीडियो रेखा कोण का यूज हुआ है, जिसमें हम केवल बिंदु रेखा समानांतर रेखा तक पहुंचे हैं। अब हम आपको इस एंगल पे पढ़ेंगे, क्लास 9th के लेवल तक पढ़ेंगे। चलिए बढ़िए यहां से आगे। एक और आपको पढ़ना है यहां से, और एक दो पेज यदि इसका आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। पढ़िए आप, बस इतना आज आपको पढ़ना। आज हमारा वीडियो इस पे रिलेटेड शाम तक अपलोड हो जाएगी, पढ़िए आप इसको। और बढ़ते हैं यहां से आगे, फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है देखिएगा ध्यान से। आज केवल होमवर्क है फिजिक्स में, फिजिक्स में भी हम 9th में के दिए हैं यूनिट, पहला लेसन है आपका यूनिट, इसके बारे में पढ़िए। इसका हम एक वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटेक्निक के या और पॉलिटेक्निक फिजिक्स में आप देख लीजिएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं एसआई मात्रक और उपसर्ग का, आप उसको बहुत बारीकी से देखिए, बहुत बारीकी से समझिए। और इसमें थोड़ा मैथ की अपेक्षा इसमें ज्यादा कवर कीजिए, क्योंकि मैथ के हम टीचर हैं, मैथ पढ़ाते हैं, तो मैथ पे हमको बहुत बारीकी से। लेकिन फिजिक्स भी आपको करेंगे, होमवर्क देंगे, होमवर्क के कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो आज हमारा फिजिक्स में वीडियो अपलोड होगा, या आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वो है सदिश और अदिश पहचानने का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। यदि वो आप एक बार देख लिए तो जिंदगी में कभी नहीं भुलाइएगा, एकदम 100% गारंटी के साथ। तो चलिए आज का होमवर्क बस इतना ही, अब शाम का इंतजार कीजिए, शाम पे हमारा वीडियो अपलोड होगा। थैंक यू।